सब बढ़िया है, होपफुली सब बढ़िया है ना। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग, थोड़े देर में शुभ रात्रि हो जाएगी। गुड इवनिंग, आज है DSSSB का। देखिए बहुत दिन बहुत कुछ पढ़ा है हमने, है ना। तो आज हम लोग थोड़ा स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। करंट अफेयर्स का बात हो चुका है, गवर्नमेंट स्कीम्स का बात हो चुका है। कल का जो सेशन है, कल है बहुत सारे रिवर्स पे क्वेश्चन, ठीक है, MCQ ऑन रिवर्स। नदियाँ कहाँ से कहाँ बहती हैं, ये सब पे बात करेंगे। रिवर्स का क्वेश्चन है, ओरिजिन कहाँ जाती है, रजत कुमार भट्ट सुबह वाले क्लास में कहाँ थे सर आप। सो ये सब बात करेंगे, और बहुत सारे करंट अफेयर्स तो बात हो चुके हैं। आज करेंगे हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी। 50 क्वेश्चंस हैं और टेस्ट है। सो रेडी रहेगा आप लोग। टॉप 3 कैंडिडेट, सब बोलते नाम मत लो मैम, नाम मत लो, पर नाम ले लूंगी, ठीक है। टॉप 3 कैंडिडेट जो मुझे सबसे पहले आंसर देंगे, उनके बारे में उनका नाम लिया जाएगा। मुजिबा चौधरी, नाम बहुत अच्छा है, मुजिबा चौधरी जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो लेट्स स्टार्ट। टुडे इज 27th ऑफ ऑगस्ट 2021, और टुडे वी आर गोइंग टू डू DSSSB का क्वेश्चंस। पहली बात, कोटेशन से स्टार्ट करते हैं क्लास। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। यानी आप डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन कर लेंगे, ठान लेंगे किसी बात को, तो हम ऑब्वियसली एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। एक नॉर्मल सा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। एक नॉर्मल सा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना है और उसको क्रैक कर लेना है। अब इतना लोग इतने बड़े बड़े चीज कर रहे हैं, तो ये तो बहुत नॉर्मल सा चीज है ना। तो जीत हो जाएगी, और अगर मान लोगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं है उतना, नहीं आता है, तो ठीक है, तो खत्म ही है फिर बात, है ना, है ना, है ना। हाँ जी। सो क्वेश्चन नंबर 1, ये पूछ रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया था। कि ऐसा क्या हो गया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि हमारे नेशनल एंथम को लिखे हैं और बांग्लादेश के भी, तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि दी थी, अंग्रेजों ने उसको लौटा दिया था। रजत का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, सबको एक आंसर देना है। टॉप 3 कैंडिडेट प्लीज आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 में मैं बोलूंगी टॉप 3, फिर 21 से 40 में टॉप 2, और फिर देखा जाएगा 40 से 50 में ओनली 1 कैंडिडेट, ठीक है, याद रखना इस बात को। शालिनी वत्स का आंसर आया है और रजत का आंसर आया है, मतलब इतना आराम आराम से आंसर दे रहे बच्चे। ज्योति जायसवाल का आ गया जलियांवाला बाग, तो यस, जालियांवाला बाग हुआ था, कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल को 1919 में जालियांवाला बाग कांड हुआ था, और इसी संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड, जो कि अंग्रेज लोगों ने इनको दिया था, उसको लौटा दिया था। ही हैड रिटन टू लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, थे उस समय आपको पता है मॉन्टेस्क्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आया था, उनको इन्होंने लिखा और फिर बोले कि नहीं भाई, नहीं चाहिए आपको उपाधि, आप लोग इतने भ्रष्ट लोग हैं कि आपका उपाधि नहीं चाहिए। खैर, हाँ, अशोक पांडे जी, वेरी गुड इवनिंग। आप बताएं, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो पूछ रहे हैं कि आपको बताएं कि हर बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनते थे प्रेसिडेंट, 28th ऑफ दिसंबर को इसका मीटिंग होता था, और इंडिया के हर एक जगह में कहीं कहीं पे इसका मीटिंग होता था, जैसे बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, गया, पटना। तो ये बताएं कि कौन थे इसके प्रेसिडेंट जब भारत आजाद हुआ था। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, पवन बेड़ी जी आ गए हैं। तो रजत का आंसर आया है, टॉप 3 कैंडिडेट का नाम दिया जाएगा जो बहुत स्लो है, शाली वत्स और पवन बेड़ी, ये टॉप 3 कैंडिडेट है। JV कृपलानी, यस, JV कृपलानी जो है वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और किस समय, जब जैविक का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, जीवंत राम भगवान दास कृपलानी इनका नाम था। ये गांधीयन सोशियोलॉजिस्ट थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, मिसिस्ट, फ्रीडम फाइटर, और नोटेड इनक्रप्टेबल एंड डिटर्मिनेशन जो भी है, लेकिन यही थे आपके 1947 के टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। अब बताएं, यस, अब बताएं कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन
इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा संगठन है जो कि पहली बार पंजीकृत ट्रेड यूनियन बना था, भारत का पहला पंजीकृत यानी कि रजिस्ट्रेशन हुआ था उसका, उस ट्रेड यूनियन का नाम पूछ रहे हैं और बताएं टॉप थ्री कैंडिडेट जो आंसर बताएंगे। हार्डी के आपका भी आंसर सही है, कामिनी जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, बस थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए आप लोग। सो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ट्रेड यूनियन है जो कि पहला रजिस्टर्ड है इंडिया में, ठीक है? आंसर थोड़ा वेराइड आंसर्स आई एम गेटिंग। सी आंसर है जो कि पवन बेड़ी का आया है, बाकी सब बच्चे गलत बता रहे। प्रशांत झा का आंसर सही आया है, तो मद्रास लेबर यूनियन है। यस, मद्रास लेबर यूनियन। और किड्स यू आर गिविंग मी रॉन्ग आंसर। ये है फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया जो कि था मद्रास। आज तुम लोगों को बहुत सारा अलग अलग तरह का क्वेश्चन सुनने को मिलेगा जो पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग के एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन आप लोग उसको रिवाइज नहीं करते ज्यादा से ज्यादा। ये 1918 में बीपी वाडिया और वी मुदालियार द्वारा बनाया गया था और ये पहला रजिस्टर्ड है, ठीक है, पहला पंजीकृत है, मद्रास लेबर यूनियन, याद रखना। अब बताएं कि वो अमंग द फॉलोइंग साइंड द ट्रीटी ऑफ बिसेन इन 1802 विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पूछे निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये पूछ रहे हैं कि जैसे मेन क्या था, मेन बात क्या है कि एंग्लो मराठा वॉर हो रहा था उस समय, तो उस समय बेसेन की संधि, आपको पता है कि अंग्रेज लोग हैं मैं आएंगे ये सब, ये अशोक जी बिल्कुल आएंगे आएंगे। अच्छा, ये सब स्किप वाले क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो यही सब क्वेश्चन जो बाकी बच्चे करके रैंक ले आएंगे आप लोग स्किप कर देंगे तो उसका अंतर खत्म हो जाएगा। तो देखो, एंग्लो मराठा का वॉर चल रहा था और अंग्रेज लोग क्या करते थे, कोई भी जगह जीत के उसका ट्रीटी साइन कर लेते थे। तो एक बेसेन एक जगह है महाराष्ट्र में, उसका ट्रीटी साइन किया गया और ये बाजीराव टू द्वारा ये ट्रीटी साइन किया गया। तुम लोग कॉमन सेंस भी लगा सकते थे कि एंग्लो मराठा वॉर जो है वो तो बाजीराव टू ही लड़े थे, तो द ट्रीटी ऑफ बेसेन ऑल्सो वन वसाई ये जो है 1802 में इन्होंने साइन किया था, ठीक है। मराठा पेशवा ऑफ पूना थे ये, और सतारा में कौन रहते थे, राजा रहते थे, जो शिवाजी के डिसेंडेंट थे, शिवाजी के पोते दर पोते, तो वो लोग कहाँ रहते थे, वो पूना में रहते थे। और बाजीराव टू या फिर पेशवा लोग कहाँ रहते थे, बालाजी विश्वनाथ के जो डिसेंडेंट थे वो रहते थे पूना में, ठीक है। गाइज, आप लोग ना सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं करते आप लोग सेशन को, अपने फ्रेंड लोगों को नहीं बुलाना है, क्लास में नहीं मजा आएगा फिर। Who of the following wrote the first Indian poetic work in English? पूछ रहे हैं कि इंडियन पोएटिक वर्क अंग्रेजी में कौन, किसने सबसे पहले लिखा है, ये बताइए आप लोग। पोएटिक वर्क, यस मैम, बाजीराव टू सेकेंड इज करेक्ट आंसर। यस पवन बेरी जी, यस इट इज करेक्ट। तो बताएं कि निम्नलिखित में से किसने पहली भारतीय कव्य कृति अंग्रेजी में लिखी थी। हाँ जी, तो इसका आंसर ए है। तुगा लगाओ तुम लोग, तुगा लगाओ, कोई बात नहीं है, आज के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। काशी प्रसाद घोष इनका नाम है। देखो, यही सब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है जो कि आप लोगों को नहीं पता रहता है और फिर बाद में दिक्कत होता है स्पेसिफिक क्वेश्चन, सो इस पर बात कर रहे हैं आज हम लोग। द फर्स्ट इंडियन पोएटिक वर्क इन इंग्लिश द शेयर एंड अदर पोएम्स बाय काशी प्रसाद घोष इन्होंने लिखा था, ठीक है। स्पेशलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, कभी कभी कोई एक सब्जेक्ट को पकड़ो और ऐसा पकड़ो कि इतने क्वेश्चन बना लें कि आप लोग स्पेशलाइज हो जाएं, उस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा बना लेंगे। आप बताएं कि जब 1857 में रिवोल्ट हुआ था तो लखनऊ के लीडर कौन थे। तुम लोग आंसर देने का ट्राई तो करो, आ रहा है या नहीं आ रहा है, आंसर देने का ट्राई तो कीजिए आप लोग, कुछ भी दिमाग लगाओ, कुछ एलिमिनेट करो। तांत्या तोपे कहाँ के थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ के थे, बिरजिस कादर कहाँ के थे, और बेगम हजरत महल कहाँ की थी। बिरजिस कादर तो इनके हस्बैंड का ही नाम था, है ना, तो बेगम हजरत महल जो है वो थी और वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली थी, और बिरजिस कादर जो इनके बेटा का नाम था, और इनके जो 11 ईयर ओल्ड सन थे उनका नाम था बिरजिस कादर। और इसको बचाने के लिए क्यों, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चल रहा था, इनके अपने बेटे नहीं थे, गोद लिए हुए बेटे थे, तो
तो ये बोले कि नहीं हमको पेंशन नहीं चाहिए और हम लड़ाई करेंगे और फिर ये जाके फाइनली नेपाल भाग गए। और बाकी लोग का आपको पता है ना नेपाल कानपुर से कौन थे, तात्या टोपे और नाना साहब थे, फिर बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, रानी झांसी जो है वो झांसी से थी, और कुंवर सिंह थे बिहार के आड़ा के, ठीक है, बलिया डिस्ट्रिक्ट में, वो अपना बांग काट के फेंक दिए थे बलिया में। अब बताइए कि हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव हैच्ड द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी 1912, तो किसने रचा था दिल्ली का षड्यंत्र 1912, किसने रचा था, क्या था षड्यंत्र, कि लॉर्ड हार्डिंग जैसे ही एंटर करेंगे उनमें बॉम्ब फोड़ देंगे, और वो बहुत इंजर्ड भी हो गए थे, मरे तो नहीं थे लेकिन बॉम्ब फोड़ दिए थे। ये स्किप कर लो तुम लोग, क्वेश्चन हिस्ट्री बहुत वीक है आप लोगों का ना, ठीक है, प्रशांत झा का बढ़िया है। तो राज बिहारी बोस जो थे उन्होंने ये इसको किया था, 1912 का था, और ये बोले थे कि 23 दिसंबर 1912 में जैसे ही लॉर्ड हार्डिंग पहुंचेंगे चांदनी चौक दिल्ली तो इन पे बॉम्ब गिरा देंगे और इनको मार देंगे, लेकिन ये मरे नहीं और फिर बच गए, और बसंत कुमार विश्वास जो है वो बॉम्ब फेंके थे, इसको याद रखना, और फिर ये कैसे एक औरत की तरह बन के गए थे, एक औरत की तरह बन के गए थे वहां पे, फिर ये अरेस्ट हो गए और फाइनली इनको हैंग हो गई है अंबाला में। और बोला जाता है कि ये जो सब इनका षड्यंत्र था वो आरएस बोस जो थे राज बिहारी बोस उन्होंने किया था, लेकिन ये प्रूव नहीं हो पाया कि इन्होंने किया था। क्लियर है किसके प्रति बम फोड़ना है, किसके ऊपर फोड़ना है, लॉर्ड हार्डिंग, जबकि जब वो चांदनी चौक में आएंगे एज गवर्नर जनरल बस एंटर करेंगे। तो कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन से गवर्नर जनरल है जिनके एंट्रेंस पे ही बम फोड़ने की बात कही गई, ठीक है। अब बताएं कि इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाई नेहरू कमेटी। अब देखो ये वो वाले नेहरू जी नहीं है, मोतीलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मोतीलाल नेहरू ने अपना नेहरू प्लान बनाया था उस बारे में बात हो रही है। यस मोहम्मद इरशाद जी, आंसर आ रहा है 1928 में, ठीक है। ये लॉर्ड ब्रेकनहेड इनको चैलेंज किए कि आप नहीं बना सकते, आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, तो मोतीलाल नेहरू को बहुत गुस्सा आ गया, वो बोले कि ठीक है हम लोग को डोमिनियन स्टेटस ही दे दीजिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसी बात पे गुस्सा आ गए थे कि हम लोग क्यों डोमिनियन स्टेटस मांगे, डोमिनियन स्टेटस यानी कि क्या, ठीक है बोलने के लिए हम लोग क्राउन के अंदर है लेकिन हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन खुद चलाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू बोले क्यों बोलने के लिए क्राउन के अंदर है, हम लोग को अपना पूरा स्वतंत्रता चाहिए, ये सी बात पे था, वो बोले कि हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो लॉर्ड बेरिंगहेड जो है वो बोले आप लोग बना ही नहीं सकते क्योंकि आप लोग में मेजॉरिटी नहीं है, पता है ये बात प्रूव हो गया था, बना तो ये दिए थे लेकिन कभी ऑल इंडिया फेडरेशन ही नहीं बना। जो मुस्लिम लीग था वो बोला कि हमको 1/3 चाहिए हर जगह पार्टिसिपेशन अपना, मतलब जहां मेरा मेजॉरिटी है वहां पे भी मेरे को चाहिए एक प्रॉपर रिजर्वेशन, और जहां मेरा मेजॉरिटी नहीं है वहां पे भी रिजर्वेशन चाहिए, और ऐसा रिजर्वेशन की बाद में वो चेंज नहीं हो सकता है, और रेसिडियरी चीज जो है वो आप स्टेट्स को दीजिए, ठीक है। ये होमवर्क भी था कोई, हाँ तो यही बात है। और फिर जब मोतीलाल नेहरू बोले ठीक है मुस्लिम लीग आपका बात मान लिया जाएगा, तो हिंदू महासभा बोला नहीं हम लोग बात नहीं मानेंगे, ये कोई तरीका हुआ, आप क्यों उस जगह मांग रहे हैं रिजर्वेशन जहाँ आपका पहले से मेजॉरिटी है, तो यहाँ पे क्लैश हो गया। तो एक तरह से हम लोग प्रूव ही कर दिए, लेकिन बन तो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, खैर ये तो सोचने वाली बात है। हाँ मुस्लिम लीग खिलाफ था, मुस्लिम लीग की बात मानी गई तो हिंदू महासभा खिलाफ हो गया, वो लोग तो पहले ही बीच बो चुके थे हम लोग के बीच में प्रॉब्लम का, तो होते रहता था ये सब इशू। इन विच ईयर विजय लक्ष्मी पंडित बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ UNGA। विजय लक्ष्मी पंडित कौन है, जवाहरलाल नेहरू की बहन है, तो पूछ रहे कि किस वर्ष विजय लक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र महासभा यू जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ये बताएं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किस साल बनी थी। और आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज, और शेयर भी कर दीजिए, आज काफी कम बच्चे हैं, सबका एग्जाम हो गया क्या, लाइक नहीं कर रहे आप लोग सेशन को, ये मुझे दिख रहा है, पसंद नहीं आ रहा है सेशन, कोई बात नहीं। 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित जो कि 1900 में मतलब
1900 में इनका जन्म होता है इलाहाबाद में। ये इंडियन डिप्लोमेट बनी थी और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो जहाँ पे भी फीमेल वाला एग्जाम जितना है या फिर फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में आप लोग लिखते हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 53 ईयर्स में ये फर्स्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ना आजकल, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि कौन अध्यक्ष कर रहा है, अध्यक्षता भारत कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं अध्यक्षता। अभी हम लोग ही टेम्पररी मेंबर और अध्यक्ष भी हैं, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लाया कि उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है वो आ सकता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, इसका आंसर बताओ। ये थोड़ा है, कुछ कुछ क्वेश्चन वैसे आए हैं। हाँ, सोनाली गुप्ता का सही हुआ है, 1953 जो बता रही उनका सही है, रजत जो है गड़बड़ बता रहे हैं। रजत को हिस्ट्री नहीं पसंद है और लाइक भी नहीं कर रहे आप लोग सेशन को क्योंकि मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अभी 10 क्वेश्चन ही है हिस्ट्री के, उसके बाद फिर से क्वेश्चन जो है दूसरे सब्जेक्ट्स के आएंगे। हार्डिक के, वेरी गुड। तो देखिए, विलियम डिग्बी, इनका नाम है डिग्बी, भारत इज नोन टू राइट ऑन विच ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, ये भारत के किस विषय के बारे में लिखे हैं, किस पहलू के बारे में लिखे हैं? तो ये फेमिन के बारे में लिखे हैं। जो भी बच्चे बी और ए बता रहे गलत बता रहे, देखिए ये जो अकाल पड़ता है उसके बारे में लिखे हैं डिग्बी जो है वो फेमिन के टाइम, फेमिन आप लोग समझ रहे हैं जहाँ पे खाने पीने का भी अकाल पड़ जाता है उस समय लिखे थे, और ये मद्रास में थे 1870 के आसपास, और ये बोले कि अकाल ऐसे नहीं पड़ा, ब्रिटिश के कारण अकाल पड़ा। आप लोग को पता है ना कि वो लोग क्या करते थे, फार्मर को बोलते थे कि आप प्लांटेशन क्रॉप उगाएं, प्लांटेशन क्रॉप यानी बैम्बू, कॉटन, इंडिगो, ये सब क्रॉप उगाएं ताकि ब्रिटिशर्स को फायदा हो। इसके कारण वो क्या होने लगा, अनाज की खेती जैसे कि राइस, वीट, ये सब की खेती कम होने लगी, और जो स्टोर होता है भंडार घर उसमें ये सब कम होने लगा। तो जब अकाल पड़ा, जब उतना अच्छा उपजाऊ नहीं हुआ, तो अब पुराने वाले स्टोर पे ही लोग निर्भर करते हैं ना, पर उस समय तो वो खाली था क्योंकि हम लोग तो दूसरी चीजें को उगा रहे थे। ठीक है, नो बसंत है हिस्ट्री बट रिवाइज नहीं किया मैंने, CDS का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। तो यही है, याद रखना ये डिग्बी का बहुत सारा किताब है जो कि फेमिन पे लिखा गया है। अब सारे बच्चे मुझे ये बताइए कि जो 10 क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री में डाला है इसमें आप लोगों के करीबन कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये एक बार बता दीजिए, और उसके बाद सेशन को लाइक भी कर दो। बच्चे देख रहे हैं ज़्यादा, सेशन लाइक हो रहा है कम, और शेयर नहीं कर रहे आप लोग सेशन को, क्यों आज इतने कम स्टूडेंट्स हैं? कहाँ फुल सेंचुरी मारना था या फिर हाफ सेंचुरी मिली जा रहा है? जल्दी बताइए, उसके बाद हम लोग दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। 10 में कितने सही जा रहे हैं आप लोग के? तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि बाय विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली, इनका मोनोपोली जो है खत्म हो गया था अधिनियम, किस अधिनियम द्वारा? 5 या 6 सही हुआ है जिनका, ठीक है। तो किस अधिनियम द्वारा? हार्डी के का 8 सही हुआ है। यहाँ पे व्यापार में अपना एकाधिकार खो दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो तुम लोग 1813 में और 1833 में कंफ्यूज करते हो, इसलिए ये क्वेश्चन लाया गया है। तो आंसर है 1833, ठीक है। 1813 में क्या हुआ था कि कंपनी ने खो दिया था, लेकिन उनको बोला गया था, देखो द चार्टर एक्ट, और इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि सेंट हेलेना एक्ट किसको कहते हैं, तो याद रखना सलमान खान की माँ का नाम हेलेन है तो इसका नाम हेलेना एक्ट है। तो ये ब्रिटिश कंपनी द्वारा पास किया गया था, क्यों? क्योंकि रिन्यू करना था, और इस एक्ट द्वारा ये रिन्यू किया गया 20 साल तक, लेकिन इनको बोला गया कि अब आपको सारा कमर्शियल पावर से खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, आप 20 साल और रह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपका कमर्शियल पावर खत्म कर दिया जाएगा। फिर 1853 में फिर बोला गया, ठीक है, आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद बोला गया कि नहीं, अब जो है 1858 से क्या होगा, गुड गवर्नेंस एक्ट आ जाएगा, यानी कि क्राउन के अधीन आ जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, 1833 सही आंसर है, ये सही बता रहे आप लोग। हाँ, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन हो गए, अब पॉलिटी के 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर ज्योग्राफी के। तो बताएं कि विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तो लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग जो है स्टेट को बांटना शुरू कर दिए थे, मद्रास जो है उसको बांट दिया गया था आंध्र प्रदेश और मद्रास में, तो ये बताएं कि कौन सा संशोधन था।
सेशन को लाइक कर दीजिए आप लोग, कितने बार बोलना पड़ता है। फर्स्ट नहीं था, फर्स्ट क्या था, जुडिशियल रिव्यू था ना, फर्स्ट बार बार भूल जाते हैं। सेवेंथ अमेंडमेंट था, सातवें अमेंडमेंट में हम लोग बोले कि पहले कैसे कैटेगरी था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आता है, और कितने थे स्टेट, 16 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थे। लेकिन फिर बोला गया कि नहीं, हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठाएंगे और रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे सारे स्टेट्स का, ठीक है, लैंग्वेज के आधार पे। सातवां संशोधन था। अब ये क्वेश्चन का आंसर बताएं, देखती हूँ मैं, जब बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं एकदम भीड़ भाड़ में आंसर देने के लिए, जब लेकिन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है तो बच्चे जो है थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं। मतलब कि आपको ऐसा क्लास चाहिए कि एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन। Which among the following are considered essential for realization of the highest good of the Indian citizen? हाँ, निम्नलिखित में से किसे भारत के नागरिक की सर्वोच्च भलाई की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता है? भूल जाते हैं आप लोग, इसीलिए तो इस तरह के क्वेश्चन लाए जाते हैं ताकि आपके रिवीजन होते रहे। दीप शिखा जी, कृपलानी बहुत पीछे है, आप थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए। तो ये है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट बहुत जरूरी है ताकि आप, हाँ जी, बहुत जरूरी है ताकि पूरा तरह से विकास हो सके बच्चे का, है ना। यूनिक फ्राइड आ गए। अब बताएं कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो डाला गया है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, कि हम लोग फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे, लेकिन अभी तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने बोला है कि 3 से 18, खैर वो प्री स्कूल का भी बात करें, 5+3+3+4, पहले था 10+2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, तो ये कौन सा संशोधन है, 2002 में आया था ये संशोधन, 86 है ना, 86 संशोधन 2002 में, आर्टिकल 21, पहले 21 था, फिर इसमें एक और जोड़ा गया 21A, इसको फंडामेंटल राइट डाला गया। पहले ये क्या था, आर्टिकल 45 में डीपीएसपी में था कि हम लोग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन सरकार बोला कि देखो डीपीएसपी में जो भी चीज रहेगा तुम उसके खिलाफ तो कोर्ट नहीं जा सकते, वो होगा कि नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, और नहीं भी होगा तो वो इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर फंडामेंटल राइट मिल रखा जाएगा, और कुछ लोग जिनका ये राइट है लेकिन उनको ये राइट नहीं मिल रहा है, तो नहीं होगा, तो ये इन्फोर्सेबल होगा, कोर्ट में जा सकते हैं, तो इसीलिए उसको उसमें डाल दिया गया था, ठीक है। अब बताएं विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विद ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, मतलब जितने भी एक दूसरे कंट्री के बीच में जो भी ट्रेड या कॉमर्स हो रहा है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के कंट्री के अंदर जितना भी ट्रेड या कॉमर्स हो रहा है उसमें कौन सा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आंसर जल्दी जल्दी नहीं देता हम लोग, आराम आराम से आंसर देते, लाइक भी करना होता है, शेयर भी करना होता है, टेस्ट सीरीज में इतना बड़ा डिस्काउंट आ रहा है पता है, श्रद्धा राउत आई है 25 मिनट में। तो ये है पार्ट 13 1301 से 1307 है, और इसी में बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर जितना भी आपका व्यापार संबंधित चीज है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 13 में लिखा हुआ है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग कैन स्पेंड द फंडा कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट, तो आपको पता है कि इमरजेंसी के समय जब कोई आपातकाल आ जाता है, इमरजेंसी का भी स्पेलिंग गलत है, इमरजेंसी, जब कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट लगा सकता है इमरजेंसी, और उस समय ये कुछ आर्टिकल को वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, खासकर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वरना सबको चिल्लाना शुरू कर देगा ना, मेरा शुभ नाम, मेरा शुभ और अशुभ दोनों नाम एक ही है, कीर्ति, ठीक है। मैम कंसेप्ट नहीं जा रहा, अच्छा ठीक है।
तो ये है, और इसमें आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। यानी कि आप किसी को ऐसा नहीं पकड़ के बोलेंगे कि कन्विक्शन आप ही के कारण हो रहा है सब प्रॉब्लम, या फिर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ भी छीन लो किसी का, तो 20 और 21 को छोड़ के बाकी सस्पेंड हो सकते हैं। और कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। कब करेगा? इमरजेंसी के टाइम करेगा। हाँ जी हार्दिक के आपका सही, ठीक है। और क्या बोला जा रहा था? क्वेश्चन बताओ विच अमंग, देखो इसको थोड़ा आराम से पढ़ो, ठीक है। धन विधेयक मनी बिल के बारे में ये पूछ रहे हैं, मनी बिल से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? पहला है इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली लोकसभा, तो ये बात तो सही है, मनी बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, बोले तो ना। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा इज गिवन 1 month टाइम टू मेक रिकमेंडेशन, या ऑल आर करेक्ट, कौन सा आंसर होगा? तो सी गलत है, पहले तो प्रेसिडेंट के असेंट से ही आ जाता है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ही ये आता है, ठीक है। और ये 1 महीने का टाइम नहीं दिया जाता है, जबकि 14 दिन का ही टाइम दिया जाता है। पहले क्या होगा, प्रेसिडेंट बोलेगा ठीक है मनी बिल आया मेरे पास, बढ़िया है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया, फिर राज्यसभा को ये 14 दिन के लिए दिया जाता है, या तो 14 दिन के अंदर वो उसको बोले कि ठीक है मेरा ये रिकमेंडेशन है, लोकसभा को दे दे, लोकसभा का माने माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। और अगर ये 14 दिन के अंदर इसको वापस नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली पास है। तो 1 महीने का समय नहीं दिया जाता है, 14 दिन का दिया जाता है। इन कॉन्टेस्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द डेट ऑफ 13 दिसंबर 1946 इज नोन फॉर द, तो क्या हुआ था 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? हाँ, धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही पारित हो सकता है। पारित, अगर पारित का मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूस ना, इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। एक सेकेंड, पेश जो है वो सिर्फ लोकसभा में, पारित तो दोनों जगह से होना ही है ना, राज्यसभा से भी तो पारित हो गए। तो हाँ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और इसी के तर्ज पे बना था प्रियम्बल, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास मूव किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। आप लोग सेशन को शेयर नहीं करिएगा और लाइक भी नहीं करिएगा। मैम लैंग्वेज हिंदी में गलत लिखी हुई, कहाँ पे गलत लिखी हुई, किस क्वेश्चन? हाउ मेनी स्टेट्स आर द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तो ये 8 है, ठीक है, 8 है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के पार्ट है। जब भी आप नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ऐसे सुनेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? उत्तर पूर्वी परिषद का हिस्सा। तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है और त्रिपुरा है। और लास्ट में 2002 में सिक्किम को बनाया गया था 8वां, क्योंकि आपको पता है सिक्किम जो है आखिरी में इंडिया में जुड़ा था, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो, लेकिन कोशिश करते रहिए आप लोग। अब बताएं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल अंडर पार्ट 4 जो है, आपको पता है ना कि आपका जो आर्टिकल है वो डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, उसको गांधीयन बोलते हैं, लिबरल कहते हैं, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, और सोशलिस्ट कहते हैं, यानी समाजवादी, गांधीवादी और लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल मॉडर्न टाइप के। तो ये पूछ रहे हैं कि जो आपका 36 से लेके 51 तक आर्टिकल है पार्ट 4 में डीपीएसपी, उसमें से कौन से जो है आर्टिकल्स वो गांधीयन प्रिंसिपल पे, गांधी के निर्देश सिद्धांत, गांधी के सिद्धांतों के दायरे में कौन से शामिल होते हैं, ये पूछा जा रहा है। दीपशिखा आप ना थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए, आपका पीछे जा रहा है सेशन, पुराने क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं आप। सेवन सिस्टर कहते थे, अब सिक्किम के जुड़ने के बाद वो 8 सिस्टर्स हो गया। तो ये है आर्टिकल 40, 47 और 48। 40 में बोलते हैं कि आप विलेज पंचायत बनाइए, 43 में बोलते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री बनाइए, ये सब सारा गांधीयन का है।
46 में बोलते हैं कि आप एजुकेशन और मतलब SC ST के लिए कुछ काम करें जो कि पढ़ाई से, एजुकेशन से या फिर पैसे की दर से पीछे पीछे छूट गए हैं। और फिर दारू वारू नहीं पीजिए, गांधी जी तो ड्राई डे मनाया ही जाता है, ड्रिंक एंड ड्रग को इंजूरियस टू हेल्थ माना गया है। और गाय के लिए बात किए थे गांधी जी, तो इसमें से कौन सा पूछा गया, 47, 48 गाय का मतलब ड्राउट, जो गाय दूध नहीं दे पाती है, जो बंजर हो जाती है, तो उनको ऐसा नहीं कि स्लॉटर कर देना चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी ये बोले थे। शुभ नाम बताया मैंने अपना हार्डिक के, आप अपना शुभ नाम बताइए, आपका तो नाम नहीं हुआ ना हार्डिक के। अब बताए डुरान लाइन, देखो वो हो गया, ठीक है। आप बताओ 10 जो पॉलिटी का क्वेश्चन आया, पहले 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए, फिर 10 क्वेश्चन पॉलिटी के आए, तो आप पॉलिटी में आप लोगों का स्कोर कैसा जा रहा है इसको बता दीजिए। जैसे हिस्ट्री में आप लोग बोले कि 5-6 गया, हार्डी जो है वो बोला 8 है, बाकी पॉलिटी में कितना कितना स्कोर आया इसको बताओ तुम लोग। डुरान लाइन जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, अफगानिस्तान बहुत न्यूज में है इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डुरान लाइन जो है 1893, श्रद्धा का आंसर बिल्कुल सही है, तो इस समय किया गया था। हाँ रजत का भी रजत आंसर गलत हो गया आपका, पवन बेरी का सही है, हार्डिक का सही है, ठीक है। रजत का पॉलिटी में 4 ही सही हुआ। होल वीडियो, मेरी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, आप जब चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे होम वीडियो और प्लेलिस्ट लिखा होगा, वहां पे मेरा फोटो दिखेगा, वो वाला है। हार्दिक नाम है आपका, अच्छा हार्दिक के नहीं, हार्दिक नाम है इनका, ठीक है। तो देखिए ये 1893 में है और ये डुरान लाइन बनाया गया था, किसके बीच में बनाया गया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, न्यूज में है अफगानिस्तान, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन, कहीं कहीं से मैं अफगानिस्तान के क्वेश्चन लाती रहती हूँ, ठीक है। अब देखो तुम लोग एक टेस्ट ले लो, ठीक है, टेस्ट से क्या होगा, रोज कम से कम आप लोग 100 क्वेश्चन बनाएंगे, तो 100 क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो छूटेगा। मान लो 100 दिन बाद भी जिसका एग्जाम होगा वो 100 × 100 बनाएगा, या फिर 10 दिन बाद भी जिसका एग्जाम होगा वो रोज 200 क्वेश्चन बनाएगा, तो उसके पास तो 2000 क्वेश्चन का बैंक हो गया ना। तो आप रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर मैथ्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जीके और जीएस में पढ़ा ही रही हूँ, और आपको पता है कि आपके पास प्राइम टेस्ट पैक भी रहेगा, उसमें ऑप्शन रहेगा, जो भी आपके एग्जाम्स हैं टीचर से रिलेटेड सारे एग्जाम्स के उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। कोड क्या यूज करना है, Y332, ठीक है, ऐसे तो चल भी रहा होगा नीचे, Y332 इज द कोड। आज ही आज का ये ऑफर है कि 82% डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आपके पास कॉइन्स होंगे, ऐप में जाओगे तो कॉइन्स होंगे और उसको यूज करिएगा तो क्या होगा, और सारा डिस्काउंट और बढ़ जाएगा, 82 से और डिस्काउंट बढ़ जाएगा। Y332 कोड है, और प्रैक्टिस करो और सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। पर क्या करना पड़ेगा, हमेशा चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, तो उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा टेस्ट सीरीज, अंडरस्टूड गाइज। और अगर आप कोर्स चाहते हैं, कोई कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको 77% तक का डिस्काउंट मिलेगा, कॉइन से वो डिस्काउंट और बढ़ सकता है, और मेरा कोड है Y332, इसको यूज करिएगा तो मुझे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरे कोर्स में एनरोल हो जाएंगे, ठीक है, तो जरूर से जरूर इसको यूज करें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ श्रद्धा का पॉलिटी में 2 गलत हुआ है, अच्छा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी इज कंसिडर्ड एज अ एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस क्या होता है पहले बताओ, फिर बताते हैं। रिंग फेंस होता है कि उस आदमी को किसी भी तरह से कहीं पे भी और कोई चारा ही मत दो, फंसा दिए उसको। फेंस मतलब वो जो ऐसे कटीला तार जैसा रहता है ना, बाउंड्री वैसा रहता है, और रिंग मतलब गोल कर दिया। जी जी तो ये बताएं रिंग फेंस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है।
ये है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था, 1757 से 1813 पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस वॉज फॉलोड बाई द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1813, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो ये सब्सिडरी अलायंस में क्या कहते थे कि मान लो कोई किंग है तो उसको बोलेंगे या तो आप हमारे पार्टनर बन जाएं, अगर आप पार्टनर नहीं बनते हैं तो हम लोग आपको क्या करेंगे, आप हमारा मिलिट्री रखें, अगर आप मिलिट्री नहीं रखेगा तो आप हमसे युद्ध कीजिए। तो ये सब्सिडरी अलायंस था इनका। हिंदी में क्या कहते हैं सब्सिडरी अलायंस को, सहायक गठबंधन। ठीक है, हाँ अब बताइए कि सवाई जय सिंह डाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सवाई जय सिंह जो है वो किस साल उनकी मृत्यु हुई थी, ये बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में। हाँ, सवाई जय सिंह जो है उनकी मृत्यु किस साल हुई थी, टेल मी दिस इन द कमेंट सेक्शन। हरी अप, सी कॉन्सेंट्रेट, देयर आर मेनी थिंग्स, जो बहुत सारे अनवांटेड चीजें हैं दुनिया में, तो उसी पे तो फोकस करना है। ऐसे ही तो समझना है कि आपको फोकस कहाँ करना है, अपने गोल पे। बहुत सारी चीजें होंगी दैट विल डाइवर्ट यू, दैट विल मेक यू एंगर्ड, एंजाइटी, देयर आर मेनी न्यूसेंस इन दिस वर्ल्ड, बट यू हैव टू अवॉइड इट। एंड देन क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, गोल पे ध्यान देना है। फालतू लोग तो बोलते ही रहेंगे, क्या कर सकते हैं। तो पढ़ाई करने के लिए आप लोग ये बताएं कि जय सिंह जो है 1753 में उनका निधन हो गया था, और ये कहाँ के किंग थे, वो किंगडम ऑफ अंबर थे, और ये फाउंड किए थे जयपुर सिटी को। ठीक है, जो लोग राजस्थान के होंगे उनको पता होगा। ठीक है, रिलैक्स 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 गाइस, इट हैपेंस। अब बताएं व्हाट वाज द रियल नंबर। देखो, एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या था, हाँ जी, ब्लॉक 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 डन। ठीक है, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या था कि बैटल ऑफ प्लासी के पहले सिराज उद दौला ने एक छोटे से कमरे में बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया था। हाँ, रोनाल्डो जो इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई नीड टू चेक दिस, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, सो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या था, रिलैक्स रिलैक्स गाइस, पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो ये छोटे से कमरे में बहुत सारे अंग्रेजों को बंद कर दिया था सिराज उद्दौला ने। ऐसा बोला जाता है कि ऐसा नहीं हुआ था, ये लोग बेकार का अफवाह फैला रहे थे। तो ये बोलते हैं 146 लोग मर गए थे इसमें। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था, और ये 20 जून 1756 को हुआ था। ब्लैक होल ट्रेजेडी 146 कंट्रीज है। ठीक है, अच्छा, मैनचेस्टर यूनाइटेड, देन माय फेवरेट टीम इज मैनचेस्टर यूनाइटेड नाउ। अब बताएं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ डायरार्की। फादर ऑफ डायरार्की किसको कहा जाता है, ये बताएं। डायरार्की यानी कि द्वैत शासन, द्वैत शासन का जो जनक है वो किसको कहा जाता है। नवाब सिराजुद्दौला किया थे, हाँ बिल्कुल, नवाब सिराजुद्दौला क्या था, अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान उनके नाना जी थे। हाँ जी बिल्कुल, तो द्वैत शासन जो है वो, देखो बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइव किए थे या फिर ड्यूप्ले किए थे, नहीं, ये लियोन कोर्टिस इनको कहते हैं, कोर्टिस जो है इनको कहते हैं फादर ऑफ डायरार्की, याद रखिएगा। क्यूटिस नीति है ये, क्यूटिस्ट, एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन करा दीजिए, ये एनसीईआरटी में है ये सब। ठीक है हार्दिक जी, पढ़ाई में ध्यान दें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे टू स्टैब्लिश प्रधान समाज, प्रार्थना समाज, सॉरी आई ऑल्सो गेट डाइवर्टेड। तो प्रार्थना समाज जो है इन बॉम्बे, ये बताएं कि एम जी रानाडे हैज एस्टैब्लिश प्रार्थना समाज इन बॉम्बे, तो इससे कौन इन्फ्लुएंस हुए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस
इनको कौन इन्फ्लुएंस किए थे? हिंदी में पढ़ो यार। निम्नलिखित में से किसने महादेव गोविंद राणा डे को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए प्रभावित प्रभावित किया था? तो ये है केशव चंद्र सेन। इन्होंने बोला था कि एमजी राणा डे आपको इनके लिए काम करना चाहिए और ये विडो डी मैरिज एसोसिएशन के लिए काम किया गया था। हाँ जी, आप बताए द कॉन्क्वेस्ट। पहले भी हम लोग जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन थे, वापस से मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन होना पड़ेगा, है ना? हाँ यस। तो बताए द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। देखो सिंध का क्यों क्वेश्चन मैंने पूछा है, क्योंकि ये फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले साइड में चला जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध जो है वो किस गवर्नर जनरल के टाइम हुआ था? सिंध में एंग्लो सिंध वॉर ये सब किस गवर्नर जनरल के टाइम हुआ था, ये बताइए जल्दी से आप लोग। आंसर दो जल्दी जल्दी, आई एम ऑन वेरी स्पीड। पता है 50 क्वेश्चंस करवाने हैं आप लोगों ने। मैडम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाओ, क्वेश्चन लाते हैं तो आप लोग लेट हो जाते हैं। सोनाली गुप्ता गिव द आंसर्स, ठीक है। लॉर्ड एलन बड़ो जो है वो थे 1842 to 44, स्टेट ऑफ सिंध, और ये फुल्ली मर्ज इन द ब्रिटिश एम्पायर इन ऑगस्ट 1843, द मेन रीजन बीइंग द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है। अब बताइए एंग्लो सिख वॉर जब हुआ था वो किस साल हुआ था? एंग्लो सिख वॉर किस साल हुआ था? तो 1845-46। लॉक करने में टाइम लग जाता है ना, टेक्निकल टीम को रिपोर्ट करना होता है, मींस साइमल्टेनियसली वहां पे रिपोर्ट करना पड़ता है। यस, तो 1845-46 में हुआ था एंग्लो सिख वॉर, फॉट बिटवीन सिख एम्पायर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे एग्जाम्स के लिए ये सारे जीके पॉलिटी हिस्ट्री ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बताइए कि इंडिया हाउस, देखो इंडिया हाउस ना लंदन में एक हॉस्टल टाइप से बनाया गया था, वहाँ पे बोलते थे बच्चों को कि बुला रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन फिर वहाँ पे वो लोग बोलते थे कि आपका देश खतरे में, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, देश को बचाओ। तो वहाँ से बच्चों को ट्रेन करके फिर बॉम्ब वॉम्ब फेंकने का सिखाते थे, मतलब एकदम भगत सिंह टाइप लोग बना देते थे। ये किसने फाउंड किया था? हाँ जी दीपक शर्मा जी, आपके एकदम उच्चतम विचार बच्चों को मिल गए हैं, आंसर दीजिए दीपक शर्मा जी। तो ये बताएं कि इंडिया हाउस, हाँ बिल्कुल, श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस बनाया था 1 July 1905 में। ये एक हॉस्टल था ताकि वहाँ पे लोग जो है रेसिस्ट और डिस्क्रिमिनेशन, छोटा जात नीचा जात ये सब खत्म करके और वहाँ पे आके एक साथ रहें और देश को आज़ाद कराने के बारे में सोचें। और बाकी रेवोल्यूशनरी जो थे, मदन लाल ढिंगरा थे, मैडम भिकाजी कामा थी, इनके बारे में आपको पता है, मैडम भिकाजी कामा जो कि जर्मनी और वहाँ पे स्टैनफोर्ड में इन्होंने पहला तिरंगा लड़ाया था, लेकिन उसका कलर अलग था, लाला हरदयाल, वीडी सावरकर और मेनी मोर्स। जी बिल्कुल, लाइव वॉचिंग करें, बताइए हाफ सेंचुरी पूरा नहीं हो रहा है, फुल सेंचुरी का सोच रहे हैं। इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SPR जो है सुपरिटेंडेंट, आप लोग भी बनते हैं ना, IPS जब बनेंगे तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनेंगे, वॉज एबॉलिश्ड, इसको बंद कर दिया गया था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चंस करवाने हैं। 1829 में इसको बंद कर दिया गया था। Were made to submit annual report on the subsidiary police establishment to the magistrate. 1816 में बोला कि आप annual report दीजिए। SP जो है बहुत ज़्यादा power में आ गया था, लेकिन ये नहीं दे पाए तो 1829 में इसको abolish कर दिया गया था, इसको बंद कर दिया गया था, और बाद में फिर से IPS start किया गया, ठीक है। ये पता था तुम लोगों को कि कभी SP जो है वो बंद भी किया गया था? नहीं पता था ना। क्वेश्चन आज जानबूझ के टफ लाए गए हैं क्योंकि आप लोग हिस्ट्री का दम बाएं हाथ में ले रहे थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा स्टैंडर्ड दिखाना पड़ेगा, इतना भी इजी नहीं है,
हिस्ट्री के क्वेश्चंस अच्छे आने लगेंगे तो बच्चे जो है सबसे टफ हिस्ट्री लगने लगता है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है मेडाइवल हिस्ट्री के। हाँ तो क्वेश्चंस देखो ये उतना मैं थोड़े पिक्यूलियर टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ ताकि आपको पता चले कि कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चंस है जो कि आ चुके हैं लेकिन हम लोग बार बार उसको रिवाइज नहीं करते इसलिए वो मिस हो जाते हैं। ये बताइए कि हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ टू इशू प्योर अरेबिक कॉइन इन इंडिया। ये इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश प्योर अरेबिक कॉइन सिल्वर टंका और कॉपर जिद्दल, इसको याद रखना। जो सिल्वर का था चांदी का था उसको टंका कहते थे और जो कॉपर का था उसको जित्तल कहते थे, ठीक है जित्तल। ये दिल्ली सल्तनत में था और ये हिंदू गॉड्स बुल्स एंड शिवलिंग ये सब बनाते थे इनका, इसको याद रखिएगा। ये इल्तुतमिश आंसर है, ठीक है। आप बताइए बाबर, देखो कल या परसों का केबीसी आई गेस एपिसोड 2 उसमें भी ये क्वेश्चन आया था लेकिन मैं वहां से देख के मैंने ये क्वेश्चन नहीं लाया था, मैं ये क्वेश्चन ला रही थी फिर याद आया। थैंक यू दीपक शर्मा जी, बस आप आंसर दीजिए। मैं खुश होंगी जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर देना शुरू करेंगे। तो बताएं केबीसी एपिसोड 2 में ये क्वेश्चन का आंसर कि बाबर नामा किस लैंग्वेज में लिखा गया है। बाबर नामा किस लैंग्वेज में लिखा गया है, देखते हैं आप लोग केबीसी। वाह देखते हैं, ठीक है। हाँ तो चगताई तुर्की में लिखा गया है, चगताई लैंग्वेज में। यस बाबर नामा जो है तुजुक के बाबरी जो लिखा गया था, इनका मर्दर टंग था ये, इनका ओरिजिनल जो वर्नेकुलर लैंग्वेज था वो था और फर्स्ट ट्रू ऑटोबायोग्राफी इन इस्लामिक लैंग्वेज था ये, जो कि क्या नाम था इसका, चगताई तुर्क, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द किंग मेकर इन इंडियन हिस्ट्री, कौन सा ऐसा था जिसको किंग मेकर इन इंडियन हिस्ट्री कहा जाता था, क्यों, क्योंकि क्या क्या हुआ था। फारूक सियार के बाद ये सईद ब्रदर जो है बहुत स्ट्रांग हो गए थे, फिर उन्होंने रफी उल दर्जात ये दोनों को बनाया, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को बनाया जिसको ये समझते थे कि ये पागल है, ये इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो खुद अब्दुल्ला खान को मरवा दिया और हुसैन अली को फंसा दिया था। तो सईद ब्रदर को कहते हैं और इनके दो भाई थे जिनका नाम था हुसैन अली और अब्दुल्ला खान बढ़रा इनका नाम था, इनको किंग मेकर्स कहते थे। हुसैन अली जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे राजा के और अब्दुल्ला खान जो थे वो सेनापति बन गए थे। हाँ जी बिल्कुल सही है, सैयद ब्रदर्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द टीचर ऑफ आमिर खुसरो, भाई आमिर खुसरो के भी टीचर गुरु जी। हाँ बहुत बहुत तेज थे ये लोग, बिल्कुल। आप बताइए आमिर खुसरो के गुरुजी कौन थे, आमिर खुसरो के शिक्षक किसको माना जाता है, ये बता रहा तुम लोगों को, कभी सुना था कि आमिर खुसरो के भी कोई टीचर हो सकते हैं। हाँ जी तो निजामुद्दीन औलिया, अच्छा निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप लोगों को बताए, वो वाला गाना दिल्ली दुरस्ता दिल्ली दुरस्ता, निजामुद्दीन औलिया को जलालुद्दीन खिलजी बोले थे कि भाई रहना है तो दिल्ली छोड़ दो। वहाँ बैक लिया है, अब मुझे पेड क्लास नहीं मिल रही है, क्यों, प्लीज़ हेल्प मी, 15 दिनों से परचेज किया, ठीक है। वंदना गौतम जी बस आपका सल्यूशन अभी, दीपक शर्मा जी आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है, सल्यूशन आपको अभी बता दिया जाएगा। वेट तो द सॉल्यूशन इज केबीसी का क्वेश्चन है। हाँ जी बिल्कुल केबीसी का क्वेश्चन है। हाँ प्लीज मेल कर दीजिए आप, कहाँ पे मेल करना है आपको, देखिए सपोर्ट ऐसा सपोर्ट लिखना, ठीक है स्पेलिंग देख लीजिएगा, @@247.com पे आप मेल करते हैं, ठीक है। हाँ तो देखो दिल्ली दूरस्ता बोला था ये जलाउद्दीन खिलजी जो थे वो बोले कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दीजिए, तो ये ना दूरदृष्टता करते थे, ये बोले कि जब तक मैं आऊँगा जब तक आप आएंगे तब तक तो मैं रहूंगा ही, लेकिन देखते हैं कि आप आएंगे कि नहीं। तो उन पे ये बोले थे दिल्ली दूरस्ता, और फिर जलालुद्दीन जो खिलजी थे उनका रास्ते में मौत हो गया था। खैर तो इसका नाम उसका आंसर है निजामुद्दीन औलिया, चलो कहानी था वो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया वंदना, आपको बात समझ में आ गई वंदना गौतम। व्हिच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी इज नोन टू हैव कंस्ट्रक्टेड द टेंपल ऑफ खजुराहो, खजुराहो का टेंपल मंदिर किसने बनाया है,
तो ये है चंडेला, चंडेला डायनेस्टी ने बनाया है खजुराहो का टेम्पल, याद रखिएगा इस बात को। यस वेरी गुड। कुछ बच्चे जो है वो थोड़ा बैक चल रहे हैं, इसीलिए उनको वो पुराने क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। अब बताएं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। ये होमवर्क का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। नॉट अ प्राइमरी, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, वाटर वेपर या नाइट्रोजन ऑक्साइड। यस दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं बताया जाएगा आपको, दिख गया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे होमवर्क में वो क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन नंबर 36। अब बताएं इन विच ईयर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनएक्टेड। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस साल आया है? आंसर थोड़ा क्विक, थोड़ा जल्दी आंसर दो। तो 1986 में आया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में। यस खजुराहो ने चंडेला राजाओं ने बनवाया है, गुड पवन बेड़ी जी, वेरी गुड, 1986 में आया है। अब बताएं हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, पहला नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है? थोड़ा स्पीड बढ़ाएं बच्चे आप लोग, बोलते हैं जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी क्वेश्चन। आकांक्षा नूनिया जी बिल्कुल आपका आंसर सही है। तो ये है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में बना था, वहां पे बंगाल एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर्स को बचाने के लिए, ऐसा नहीं कि बंगाल टाइगर सिर्फ बंगाल में रहता है, ठीक है, और फिर इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत डाला गया, जो कि 1973 में आया था। यस अब बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज टॉक्सिक पॉल्यूटेंट ऑफ वाटर। पानी को जो प्रदूषित किया जाता है उसके उसमें जो पदार्थ डाला जाता है उसमें से कौन सा जहरीला नहीं, इसमें से कौन सा जहरीला नहीं है? गाइस थोड़ा आंसर स्पीड में देना होता है, ठीक है, आराम आराम से नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये सब, हिस्ट्री और हिस्ट्री के थोड़े टफ थे, लेकिन अभी तो बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये है कार्बोनिक एसिड, बाकी है देखो लेड है, मरकरी है, मरकरी यहाँ पे बुध वाला मरकरी नहीं है, ठीक है, केमिकल है, कैडमियम, ये तीनों है और कार्बोनिक एसिड नहीं है, कार्बोनिक एसिड नहीं है, इसको नहीं माना जाता है, ठीक है, नॉट क्लासिफाइड एज हार्मफुल। अब बताएं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। डिप्लीशन ऑफ ओजोन किसके कारण होता है? ओजोन में जो छेद हो जाता है जिसके कारण आप पे अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाता है, बॉडी जल जाती है, परेशानी हो जाती है, तो हेलिना था नेशनल पार्क, हाँ हेलिना उसका नाम था, हेलिना नेशनल पार्क उसका नाम था, बाद में वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया जी। अब बताएं तो ये इसका आंसर क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है ना, मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड ये सब क्यों बता रहे हो, क्लोरोफ्लोरो, यस CFC, वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन या टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए 10 क्वेश्चन थोड़े बायो के होंगे, 5 और 5 इकोनॉमिक्स के। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन या टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट सेंसिटिव टू टेक लेड। तो लीड, लेड जिसको हिंदी में शीशा भी कहते हैं ना, शीशा, जस्ता, शीशा, तो लेड को कौन सा बॉडी, बॉडी का कौन सा पार्ट जो है सबसे ज्यादा सोख लेता है? ये है ब्रेन। ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द बॉडी जो कि लेड पॉइजनिंग हो जाता है उसमें, हाँ लेड पॉइजनिंग, वेरी गुड, किडनी नहीं, किडनी नहीं, लेड है। अब बताइए इन इंडिया द ईस्टर्न स्वैप डियर, अब इसका यहाँ पे बॉटनिकल नेम उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जूलॉजिकल नेम। अब बताइए कि इज करेंटली फाउंड, ये जो ईस्टर्न स्वैप डियर है दलदली स्वैम्पी एरिया में रहता है, ऐसे ऐसे कूदते रहते हैं दलदली एरिया में, तो ये जो स्वैम्पी एरिया में रहते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं? स्वैम्पी एरिया में कौन ये जो डियर है ये मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं स्वैम्प डियर्स, अंडरस्टूड, और काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये खत्म हो चुके हैं, एक्सटेंड हो चुके हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में, लेकिन हमारे यहाँ मिलते हैं ये काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक, चलिए बढ़िया। अब आता है डॉब्सन, देखो डॉब्सन यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। तो जो ओजोन होता है, ओजोन ऐसा नहीं है कि ओजोन में छेद हो जाता है, हम लोग सुनते हैं ना कि देखो ये अर्थ है यहाँ पे ओजोन लेयर है तो ओजोन में छेद हो गया इसलिए अल्ट्रावायलेट आ गया, नो,
एक्चुअली क्या होता है, ओजोन का परत जो है बहुत मोटा है अर्थ के ऊपर, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा सीएफसी के कारण वो परत पतला हो जाता है, खत्म नहीं हो, खत्म होगा तो हम लोग मर जाएंगे, लेकिन वो परत ही पतला होने लगेगा। तो वही जो मोटाई और जो मोटाई है उसका, उसको हम लोग डॉप्सन के यूनिट से नापते हैं, डॉप्सन इकाई से नापते हैं। तो ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डॉप्सन यूनिट है। अंडरस्टूड, क्लियर है? चले बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल। आप बताएं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है, ये तो सबको पता होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड। हॉर्नबिल इज अ बर्ड, एक चिड़िया का नाम है हॉर्नबिल, और नागालैंड में इसको मनाया जाता है। बस इतना जरूरी है, और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो आई विल टेल यू। यस, नागा लाइफ और कल्चर, वहां के ट्राइब है, इनके लिए ये बहुत जरूरी फेस्टिवल है। अब बताएं शंघाई डियर। शंघाई डियर जो है हिरन, एक हिरन है शंघाई। शंघाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कीप ऑन आंसरिंग, बताइए आंसर्स जल्दी जल्दी। तो ये मणिपुर में मनाया जाता है शंघाई फेस्टिवल। वेरी गुड, गेटिंग द आंसर्स। और मणिपुर में शंघाई फेस्टिवल मनाया जाता है, ये कब, किस महीने? नवंबर के महीने में मनाया जाता है। आजकल ये भी पूछते हैं किस महीने में मनाया जाता है। अब देखो डाल्टन, अब कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े साइंस के क्वेश्चन ले लेते हैं। डाल्टन का नाम किस चीज से एसोसिएटेड है, किस चीज का खोज किया था डाल्टन? इलेक्ट्रॉन का, कि प्रोटोन का, कि एटम का, कि न्यूट्रॉन का? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सुने होंगे, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यही कहता था कि एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। ये बोल रहे हैं कि जो आपका प्रोटोन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, बहुत छोटा छोटा है। पहला पॉइंट, एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज एटम ऑफ द डिफरेंट। तो बोल रहे हैं कि अगर मान लो तुम एक एलिमेंट का लोगे, फॉर एग्जाम्पल कार्बन का ले रहे हो या फिर ऑक्सीजन का ले रहे हो, तो इसका जो है सारा पार्टिकल एक समान रहेगा, एक साइज का रहेगा, एक मास का रहेगा, और इसका जितना पार्टिकल्स है वो एक साइज का रहेगा ऑक्सीजन का, और ये दोनों एक दूसरे से अंतर रहेगा। एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये कह रहे हैं कि कोई एटम को और आप और टुकड़ा में नहीं तोड़ सकते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन सिंपल और होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। ये कह रहे हैं कि देखिए हाइड्रोजन का भी एक एटम ले लें, ऑक्सीजन का ले लें, तो H2O बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। और केमिकल रिएक्शंस, एटम्स आर कंबाइंड सेपरेटेड और रीअरेंज, और उसी तरह से फिर से आप एटम को कंबाइंड सेपरेट और रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसको जला के फिर कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग कर लो, तो इसी तरह वो जुड़ भी सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। यस, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस? नोबल गैस तो पता ही होगा ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? हाइड्रोजन नहीं होगा, है ना? हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस बोले तो ना वो किसी से कोई एटम ले, कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, ना किसी को कोई इलेक्ट्रॉन देगा, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। और जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है इस तरह का, तो उसके लास्ट वाले जो इन लास्ट वाला जो कॉलम रहता है, जिसको 18th या जीरो ग्रुप कहते हैं, उसमें रहता है आपका ये वाला, ठीक है? हाँ जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मेटालिक मिनरल? एक नॉन मेटालिक मिनरल कौन सा नहीं है, यानी कि उसमें मेटल नहीं है? बॉक्साइट का पता है, Al2O3 कहते हैं बॉक्साइट को, तो एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है। Yes. और ग्रेनाइट, सिलिका, सिलिका क्या है? SiO2 है, ठीक है? तो बॉक्साइट जो है नॉन मेटालिक मिनरल, और दोज मेटल, दोज दैट कंटेन मेटल। एग्जाम्पल, बॉक्साइट में मिनरल मेटल, मेटल नहीं रहता है। यस, मेटल नहीं रहता है, नॉट पूछ रहे ना, तो बॉक्साइट ही हो गया, बाकी सब जो है उसमें नॉन मेटल्स है, और बॉक्साइट क्या हो गया, उसमें तो मेटल हो गया, एल्यूमिनियम तो मेटल हो गया ना, इसीलिए बॉक्साइट है। सिलिका तो SiO2 है यार, सिलिका SiO2 तो तुम्हारा मेटलॉइड हो गया ना, ना मेटल है ना नॉन मेटल है, ठीक? तो कौन कौन सा नॉन मेटालिक होता है? मिका, जिप्सम, कोल। जिप्सम क्या हुआ? जिप्सम सल्फर का हुआ। लाइमस्टोन, ये सब नॉन मेटालिक है। डोलोमाइट, फॉस्फेट, सॉल्ट, ग्रेनाइट, ये सब। आप बताएं कि व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं? व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड किसको बोलेंगे गाइज?
देखो आज मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए आपके, हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस करवाए 10, मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाए, पॉलिटी के क्वेश्चंस डन, एंशिएंट भी तो मैंने बहुत बार करवाए इसलिए आज नहीं करवाया, साइंस के हो गए थोड़े बहुत, जनरल स्टडीज भी आ गए थे, एनवायरमेंट के क्वेश्चंस भी हो गए, तो बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हो गए, तो होपफुली आपको सेशन पसंद आएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताना कि कैसा लगा। प्लैटिनम को कहते हैं व्हाइट गोल्ड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन, तो होपफुली आप लोग आंसर जरूर देंगे। कुछ भी लिखना नहीं है, ए बी सी डी आराम से लिखना है। ओम का यूनिट पूछा जा रहा है, पता होगा आप लोगों को, गलती से मैंने बता भी दिया है। लाइक कर देना सेशन को, शेयर कर देना, कमेंट में थोड़ा मोटिवेशन दो। यू नो समटाइम्स नेगेटिव एलिमेंट कम, तो आप लोग भर दीजिए कमेंट थोड़ा पॉजिटिव एलिमेंट से। सैशी क्लास में भी कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स हो गए थे, तो आप लोग पॉजिटिव एलिमेंट्स से कमेंट सेक्शन को भर दें ताकि मुझे एनर्जी मिले एंड मोटिवेशन मिले और क्वेश्चंस लाने के और क्वेश्चंस डिस्कस करने के, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर्स तो अब 6 लाख हो गए, तो टीचर्स अड्डा इज रॉकिंग, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड होपफुली आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन देंगे। थैंक यू गाइज, हैव योर डिनर। क्वेश्चन नंबर 36 एंड क्वेश्चन नंबर 50 इज योर होमवर्क। थैंक यू।